स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं नीरज फ्रॉम अंश स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं एक नया सॉफ्टवेयर जो कि डीजी फ्लिक का अपडेट वाला वर्जन आया हुआ है उसके बारे में और उसका ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। अगर पुराने यूज़र हैं तो सीरियल नंबर के थ्रू हम अपडेट कर देंगे आप लोगों को, और नए यूज़र हैं तो उसके लिए नया अपडेट आया है। ये वाला पोस्टर अगर देख के आपको पता चल जाएगा, ये जो एल्बम एक्सप्रेस प्रीमियम करके हमारा नया सॉफ्टवेयर आया हुआ है जो कि अभी 2024 का मॉडल है, इसके अंदर बहुत कुछ एडवांस तरीके से हमने दिया हुआ है। ये मेरा एक GST नंबर है जिसके थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ लोग हैं जो YouTube पे हमारे को बोलते हैं कि भाई अंश स्टूडियो मेरा है, और ये GST नंबर देख के आपको वेरीफाई हो जाएगा कि अंश स्टूडियो किसका है और किसके नाम पे है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि अपने DP यानी पोस्टर में ही वो GST नंबर लगा दिया, जिससे आपको कन्फर्म हो जाए कि अंश स्टूडियो किसका है और अंश स्टूडियो का ऑनर कौन है। दोस्तों, मैं अपना जो हमारा एल्बम एक्सप्रेस प्रीमियम करके जो सॉफ्टवेयर है जो कि डिजिफ्लिक कंपनी का है उसका मैं ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए देने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए और इसका आनंद लीजिए। नमस्कार, आज हम लोग जानेंगे कि एल्बम एक्सप्रेस में एल्बम कैसे बनाते हैं। तो एल्बम एक्सप्रेस में एल्बम बनाने से पहले क्लाइंट ने आपको जितना भी फोटो दिया है वहाँ पर फोल्डर में आपको वहाँ पर 3 फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ आते हैं। मान के चलिए कि ये मेरा क्लाइंट का फोटो है, अभी मुझे इसी का एल्बम एक्सप्रेस में एल्बम बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 फोल्डर बनाएंगे। तो पहला फोल्डर में लिखेंगे सेव फाइल, दूसरा फोल्डर में लिखेंगे फाइनल JPG और तीसरा फोल्डर में लिखेंगे करेक्शन पिक या प्रेशन फोटो, ठीक है। अब ये 3 फोल्डर आपको पहले बना लेना है जहां पर भी आपने क्लाइंट का फोटो दिया है। अब ये 3 फोल्डर का यूज कहाँ होगा, हम लोग एल्बम एक्सप्रेस यूज करेंगे। तो सबसे पहले एल्बम एक्सप्रेस खोलते हैं। तो देखिए, एल्बम एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर खोलने से पहले आपको इस टैब का इंटरफेस खोलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी साइज का एल्बम बनाना हो वो साइज का आप यहाँ पर एल्बम बना सकते हैं, चाहे 12:36 बनाना हो, 9:24 बनाना हो, 12:18 बनाना हो, जो कोई भी साइज। अभी जो करेंट में साइज चल रहा है उसका भी आप एल्बम बना सकते हैं और जो आने वाला है उसका भी आप एल्बम बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं न्यू पर। ये देखिए, ऑटोमेटिक न्यू पर क्लिक रहता है। साइज में आपको यहाँ पर साइज देना पड़ता है जो साइज का आपका एल्बम बनाना है। यहाँ से एडिट करना पड़ता है, जैसे कि 12:36 नहीं हमको बनाना है, 14:40 बनाना है। तो सिंपल सा यहाँ पर 40 कर दीजिए, तो यहाँ 14 कर दीजिए, ये आपका 14:40 का पेज हो जाएगा। 12:36 बनाना है, यहाँ पर 36 कर दीजिए, यहाँ 12 कर दीजिए। 9:24 बनाना है, यहाँ पर 24 कर दीजिए, यहाँ 9 कर दीजिए। यानी कि जो साइज का आपका एल्बम बनाना है वो साइज आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। आपको ये ऐसा ही छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं टच करना है। अभी आते हैं नंबर ऑफ पेजेस। अभी मान के चले हम एक 12:36 का ही बना के आपको हम दिखाते हैं। मैंने 12:36 पर क्लिक कर लिया। नंबर ऑफ पेजेज यानी कि कितना सीट का आपको एल्बम बनाना है। मान के चलिए मुझे 30 सीट का एल्बम बनाना है, तो यहाँ पर आपको 60 करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 30 लिखा जाता है। क्यों हम लोग 60 करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर 1, 2, 3 करके काउंट करते हैं, यानी जो जो एक सीट पर 2, 12, 18 रहता है तो दोनों को वो काउंट करते हैं। तो सिंपल सा जितना सीट का आपका एल्बम बनाना है यहाँ पर आपको डबल लेना पड़ता है। देखिए, ऑटोमेटिक जितना भी आपको लेना रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर 30 पेज ले लिए तो हम जब एल्बम बना रहे हैं तो वहाँ पर पेज को बढ़ाना चाहे तो बढ़ेगा कि नहीं। आप वहाँ पर भी पेज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, पेज को डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन दिख रहा है कवर, यस या नो। अगर आपको कवर उसी टाइम चाहिए बनाना है तो यस पर क्लिक कीजिएगा। यानी कि आपने 30 पेज लिया है तो 30 पेज भी दिखेगा और कवर का पेज भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो पहले इनर शीट बना लेते हैं और फिर बाद में लास्ट में DM कवर बनाना रहता है, जो लड़का लड़की का पोर्ट्रेट शीट होता है वो बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो पहले हम लोग यहाँ पर साइज देंगे, जितना साइज का आपको एल्बम बनाना है, जो साइज का एल्बम बनाना है। नंबर ऑफ पेजेस में जितना सीट का आपको एल्बम बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ मोड मिलते हैं आपको, सारे में आप एल्बम बना सकते हैं, ठीक है।
ये इसमें 9 मोड है, 9 मोड में से 8 मोड जो है वो ऑटोमेटिक मोड है। आठों मोड में आप एल्बम बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी डिजाइनर लोग हैं, तो सबसे पहले हम लोग मैनुअल मोड पे काम करते हैं। ये मेरा मैनुअल मोड है, क्योंकि मैनुअल मोड में क्या होता है कि आप इसमें ऑटो भी एल्बम बना सकते हैं, मैनुअल भी एल्बम बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसे आप एल्बम बना सकते हैं। तो हम लोग मैनुअल मोड पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही मैनुअल मोड पर क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक एक इंटरफेस खुल जाएगा। अब इंटरफेस खुलने के बाद अभी करना क्या है आपको, यहाँ पर फोटो है और यहाँ पर आपका पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो भी फोटो रहेगा, यहाँ पर फोटो जो भी क्लाइंट का फोटो लेना है यहाँ पर फोटो लेना है, और माय एल्बम में ये आपका पूरा पेज दिखेगा जो भी आपने 30 पेज लिया है। जैसे मान के चलिए, देखिए मेरे तो पूरा 30 पेज है, यहाँ पूरा 30 पेज दिखना है। अभी मान के चलिए क्लाइंट ने 30 पेज नहीं बोला, बोला कि 2 पेज हमको एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो देखिए यहाँ से पेज आपको एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, नीचे पेज का ऑप्शन देता है। अभी यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर आप यहाँ पर 62 कर दीजिएगा, यहाँ पर देखिए नीचे एक सीट बढ़ जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली मैं 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए क्रिएट कॉपी कर सकते हैं, ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हैं या पेज को डिलीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से पेज को घटा बढ़ा भी सकते हैं। चलिए यहाँ पर पेज हो गया, अभी आते हैं क्लाइंट का फोटो। तो यहाँ पर फोटो में जाइए, जहां पर भी फोटो लिया क्लाइंट ने 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। अभी मान के चलिए मेरा ट्रायल वर्जन था, वहां पर मैंने फोटो लिया था, ये फोटो। तो उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, जहां पर भी आपका फोटो है क्लाइंट ने दिया है उसको फोल्डर को सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए मैंने फोटो सिलेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर फोटो आ जाएगा, जो भी मतलब जितना भी क्लाइंट ने आपको फोटो दिया है। अभी एक बार फोटो रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद सारा फोटो यहाँ पर पेज पर दिख जाएगा। अभी देखिए फोटो लेने के बाद कभी कभी क्या होता है कि फोटो जो हॉरिजॉन्टल वो वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ फोटो ऐसे रहते हैं, तो क्या करना होगा, मान के चलिए देखिए इसमें ये फोटो है, ये वर्टिकल फोटो है लेकिन ये अभी हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। लेकिन जो भी आपका फोटो टेढ़ा दिख रहा हो, तो पहले यहाँ से छोटा बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए रोटेट रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ से पहले आपको रोटेट कर लेना है फोटो को, तभी फोटो पेज पर लेना है। जैसे ही रोटेट पर क्लिक करेंगे, देखिए फोटो ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। अभी देखिए मान के चलिए मैं कुछ आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा एल्बम एक्सप्रेस में एल्बम बनाने के लिए। पहले मैं 3 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग सिंपल से एल्बम बनाने के लिए वो 3 ट्रिक यूज करेंगे, यानी 3 ट्रिक बताएंगे। तो पहला ट्रिक है ऑटोमेटिक, कि हम लोग फोटो लेंगे और एक क्लिक करेंगे तुरंत डिजाइन बनकर तैयार होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फोटो लेना पड़ेगा। तो फोटो लेने के लिए सिंपल सा यहाँ पर फोटो दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए मैं 5 फोटो लेता हूँ, तो फोटो को 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए मैंने डबल क्लिक किया, फोटो यहाँ पर आ गया, 5ों फोटो। अब 5ों फोटो में देखिए मैंने 5 फोटो लिया, 5 फोटो का इंडिकेटर लग गया। अभी हमको डबल क्लिक नहीं करना है, हमको कंट्रोल दबाकर फोटो को सिलेक्ट करना है, जितना भी फोटो आपको लेना है, ठीक है। देखिए सबमिट टिक हो गया, और नीचे देखिए ऐड फोटो का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपने जितना भी फोटो लिया ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी ये आपका 5 फोटो है, अभी इसको हमको ऑटोमेटिक डिजाइन करना है। तो ऑटोमेटिक डिजाइन करने के लिए यहाँ पर देखिए चेन टेम्पलेट का ऑप्शन है, पहला ट्रिक, बस चेन टेम्पलेट पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक एक डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टेम्पलेट डाले हुए रहते हैं, बस आपको फोटो में जाना है, चेंज टेम्पलेट पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक क्या करेगा, टेम्पलेट को बदल कर रख देगा। अभी देखिए यहाँ पर चेंज टेम्पलेट इधर है और एक यहाँ पर एरो है, एरो पर क्लिक कीजिएगा तो जो लेटेस्ट टेम्पलेट है वो वहां पर आपको शो होगा, मतलब आपने जो नए नए टेम्पलेट डाउनलोड किए हैं जो लास्ट में है वो लास्ट वाला टेम्पलेट उठाकर इसमें डालेगा। और ये चेंज टेम्पलेट पर क्लिक कीजिएगा जो जो स्टार्टिंग से टेम्पलेट है वो यहाँ पर डालेगा। तो आप दोनों चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ये भी क्लिक कर सकते हैं चाहे ये भी क्लिक कर सकते हैं। अभी मान के चलिए मेरा एक डिजाइन बनकर तैयार हो गया, लेकिन मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है, हमको दूसरा डिजाइन चाहिए, तो फिर से वही एरो पर क्लिक करना है, फिर तो देखिए ऑटोमेटिक दूसरा डिजाइन आ जाएगा। ये भी नहीं पसंद आ रहा है, फिर से क्लिक कीजिए, देखिए तीसरा डिजाइन आ जाएगा, ठीक है। अभी जितना बार क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर में आपका जितना भी टेम्पलेट डाला हुआ है वो क्या करेगा, आपका फोटो एक वर्टिकल है और 4 हॉरिजॉन्टल है वो खोजेगा, उसमें खोजकर उसमें उठाकर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डाल देगा। देखिए ये टेम्पलेट बनकर तैयार हो गया।
लेकिन मुझे ऑटो में कुछ चेंजिंग करना है। होता है ना कि फोटो मैंने तो डाल दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या किया, बैकग्राउंड में ब्लू बैकग्राउंड डाल दिया, कोई मास्किंग डाल दिया, कोई लिखा हुआ टेक्स्ट डाल दिया, हमको नहीं चाहिए, हमको मैनुअली कुछ चेंजिंग कर उसको फिर से अच्छे से टेम्पलेट में उसको डालना है। तो इसको क्या करना है, अभी मान के चलिए हमको ये बैकग्राउंड को चेंज करना है, सिंपल सा बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट आप बैकग्राउंड पर जाइए और यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, तो आपको डायरेक्टली बैकग्राउंड पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, बस बैकग्राउंड पर जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने बैकग्राउंड को चेंज कर दिया, बैकग्राउंड को चेंज कर दिया, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, फोटो हल्दी वाला मेहंदी हो जाता है, मेहंदी वाला हल्दी में चला जाता है, मतलब फोटो को चेंज करना रहता है, आपस में स्वैप करना रहता है। तो फोटो को स्वैप करने के लिए मान के चलिए मुझे इस फोटो को इसमें स्वैप करना है, दोनों फोटो, तो दोनों फोटो को कंट्रोल दबाकर सेलेक्ट कीजिए और ये जो छोटा छोटा बॉक्स आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, फोटो को ऑटोमेटिक एक दूसरे को चेंज कर देगा। देखिए ये फोटो वहां चले गया, ये फोटो यहाँ चल गया, लेकिन फोटो जाने से क्या हो गया कि ये फोटो देखिए इधर आपको साइड में दिख रहा है, फोटो को हमको बीच में लाना है, तो फोटो को बीच में लाना है तो फोटो पर क्लिक कीजिए और बीच में देखिए हैंड टूल का ऑप्शन आता है, बस हैंड टूल को यहाँ से बीच से राइट क्लिक करके थोड़ा सा आप यहाँ से फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फोटो को ऊपर करना है तो ये राइट क्लिक कीजिए और फोटो को थोड़ा सा यहाँ पर से ऊपर कर दीजिए। अब यहाँ पर जितना भी फोटो है अब ऊपर नहीं हो रहा, अब इसको फोटो को जूम करना है, ठीक है, तो फोटो को क्लिक कीजिए और माउस को जो स्क्रॉल होता है उसको बढ़ाइए, देखिए फोटो जूम होगा, जूम आउट करना है तो माउस का स्क्रॉल घटाइए, फोटो जूम आउट होगा। तो फोटो को आपको जूम इन जूम आउट करना है, तब यहाँ से फोटो को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें हमको ये इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सॉफ्टवेयर ने ये इसमें इफेक्ट डाल दिया मास्किंग का, हमको नहीं चाहिए। तो कभी कभी आप लोग जब भी एल्बम डिजाइनिंग करेंगे तो एल्बम डिजाइनिंग करने समय ऑटो में आप जब भी क्लिक करेंगे तो कुछ कुछ ऐसे इफेक्ट भी रहेंगे फोटो में जो आपको नहीं चाहिए, तो जो इफेक्ट नहीं चाहिए तो राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ देखिए क्लियर इफेक्ट का ऑप्शन है, जैसे ही क्लियर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उसमें क्या होगा, फोटो में जितना भी इफेक्ट डाला हुआ है ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, बॉर्डर डाला हुआ है, मास्किंग डाला हुआ है, लाइटिंग डाला है, ब्लर है, ओपेसिटी किया हुआ है, फेदर किया है, शेडो किया है, वो सारा चीज यहाँ पर दिखेगा, लेकिन इस फोटो में क्या क्या डाला हुआ है वो चीज हाईलाइट रहेगा। लेकिन देखिए अभी इसमें दो चीज हाईलाइटेड है, एक मास्किंग हाईलाइटेड है और एक कलराइज हाईलाइटेड है, यानी कि इस फोटो में दो इफेक्ट लगा हुआ है, एक मास्किंग लगा हुआ है और ये फोटो को ऑटोमेटिक ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया है। तो अभी चाहते हैं कि मुझे सिर्फ मास्किंग को हटाना है तो बस मास्किंग पर क्लिक कीजिए, तो देखिए ऑटोमेटिक मास्किंग हटेगा। अभी चाहते हैं इस फोटो में जो फोटो का क्वालिटी कलर था वो करना है तो राइट क्लिक करना है, फिर से क्लियर इफेक्ट करना है और यहाँ से कलराइज पर क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, फोटो को ऑटोमेटिक जो फोटो है ऑटोमेटिक वो उसमें सारे इफेक्ट को हटा देगा और ऑटोमेटिक उसमें डाल देगा। ठीक है, अब इस फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब ये फोटो को जूम करना है मतलब बड़ा छोटा करना है, कभी कभी होता है किसी फोटो को बड़ा रखना है किसी को छोटा रखना है, अभी इस फोटो को थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो सिंपल सा फोटो क्लिक कीजिए और ये जो कॉर्नर आता है बस कॉर्नर को पकड़ कर खींच दीजिए। ठीक है, जहां पर भी आपको करना है, देखिए मैंने यहाँ से पकड़ कर खींच दिया, और बड़ा करना है तो यहाँ से और बड़ा कर दीजिए, कोई भी कंट्रोल सिर दबाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब इसमें कोई टेक्स्ट लिखना है, मान के चलिए मैंने ये लिख लिया, लेकिन इसमें कुछ हमको हल्दी मेहंदी लिखना है या कुछ स्लोगन लिखना है, तो अपने से लिखने के लिए मतलब अपना टेक्स्ट लिखने के लिए हिंदी मराठी उड़िया बंगाली जो भी हो टेक्स्ट में जाइए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलते हैं टाइटल में, अभी मान के चलिए मैं यहाँ पर हल्दी लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हल्दी का यह फंक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पर हल्दी लिखा, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। अब इसको थोड़ा सा इसको एरो से बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर उठाकर इसको यहाँ पर डाल देते हैं, मान के चलिए मैं यहाँ डाल देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब इसका टेक्स्ट चेंज करना है मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से देखिए कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर मान के चलिए मैं यहाँ पर येल्लो दे देता हूँ क्योंकि हल्दी हो रहा है, देखिए हल्दी का यहाँ पर ऑप्शन आ गया मतलब कलर आ गया। अब यहाँ पर हमको टेक्स्ट चेंज करना है मतलब फॉन्ट, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी आपके सॉफ्टवेयर में फॉन्ट रहेगा यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका फॉन्ट आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो
आपको सॉफ्टवेयर में फॉन्ट बना हुआ भी रहता है, बनाया हुआ कंपनी भी प्रीसेट देते हैं, तो प्रीसेट में जाना है, यहाँ पर बना बनाया पे प्रीसेट मिलता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसी पर भी क्लिक कीजिएगा तो देखो ऑटोमेटिक वहाँ चेंज हो गया। अब ये हो गया आपका पहला तरीका ऑटोमेटिक मोड में। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए ये पहला पेज बन गया, और पहला पेज बनाने से पहले दूसरा पेज बनाने को हमको बनाना है, तो आपको पहला पेज बनाने के बाद पहले सेव बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये सेव बटन, ये सेव बटन इसलिए है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो जाकर प्रोजेक्ट सेव हो जाता है सॉफ्टवेयर के लिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज के लिए सेव इसलिए होता है कि आप जब एल्बम बनाते हैं तब 30 सीट का एल्बम बनाना रहता है, आपने 20 सीट बनाया, 10 सीट मुझे कल बनाना है, मतलब नेक्स्ट टाइम बनाना है, अभी हमको नहीं बनाना है, तो सेव बटन पर क्लिक कर दीजिएगा तो क्या करेगा, आपने जितना भी प्रोजेक्ट बनाया है उसी नाम से जाकर सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में आप ओपन करके वहां से जहां पर सेव किया है वहां आप फोल्डर लीजिए, वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग सेव बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे देखिए दो ऑप्शन है आपको, नाम पूछ रहे हैं तो कोई भी नाम डाल दीजिए, मान के चलिए मैं ABC डाल देता हूँ। ठीक है, पाथ पूछ रहे हैं कि कहाँ प्रोजेक्ट को सेव करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, अभी मेरा फोल्डर बना हुआ है डेस्कटॉप में, तो यहाँ डेस्कटॉप में जाइए, अभी मान के चलिए मेरा ट्रायल वर्जन है वहाँ खोल दी, अभी देखिए ये 3 फोल्डर मैंने बनाया था, अभी 3 फोल्डर में पहला फोल्डर है सेव फाइल, क्योंकि मैं अभी सेव कर रहा हूँ, ये सेव फाइल को आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट फोल्डर कर ओके करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, आपका जो भी प्रोजेक्ट बना हुआ है वो ऑटोमेटिक वहां जाकर सेव हो जाता है, यानी आपको अपना प्रोजेक्ट ढूंढने की भी जरूरत नहीं, आपने जहां एल्बम बनाया है मतलब आपका जहां पर क्लाइंट का फोटो है वहीं पर आपका सेव भी होगा, वहां पर आपका फाइनल JPG भी होगा, और जो भी आपने फोटो का करेक्शन किया है वहीं पर होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सेव बटन पर क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक, एक पेज वहां पर जाकर सेव हो गया। अभी मुझे दूसरा पेज बनाना है, तो दूसरा पेज बनाने के लिए यहाँ पर पेज पर आना है, क्योंकि यहाँ पर आपका पेज रहता है और यहाँ पर फोटो रहता है, तो देखिए पहला पेज ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो गया। अभी दूसरा पेज बनाना है, तो दूसरा पेज पर डबल क्लिक करना है, जैसे ही दूसरा पेज पर डबल क्लिक करेंगे तो पहला पेज ऑटोमेटिक जहां पर आपने सेव किया है वहां पर जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीका के लिए मैं उसके लिए पहले सबसे पहले हमको फोटो लेना है, तो सबसे पहले जो भी आपको तरीका इस्तेमाल करना है तो फोटो पहले ले लेना है। ठीक है, मानकर चलिए मैं कुछ फोटो लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है, मैंने 6 फोटो लिए, अब इस 6 फोटो का मुझे डिजाइन करना है। ठीक है, ये 6 फोटो हैं जिसमें 2 फोटो वर्टिकल हैं और 4 फोटो हॉरिजॉन्टल हैं। अब इसको आपको मैंने एक पहला तरीका बता दिया ऑटो डिजाइन करने के लिए, तो अभी हमको डायरेक्ट ऑटो में डिजाइन करना है 6 फोटो को, तो बस चेन टेम्पलेट पे क्लिक कीजिएगा तो डिजाइन बन जाएगा, लेकिन मुझे ऑटो में नहीं चाहिए, मुझे अब टेम्पलेट देख के करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जितना टेम्पलेट है 6 फोटो का भी है, 7 फोटो का भी है, 10 फोटो का भी है, 19 फोटो का भी टेम्पलेट डाला हुआ, तो आपको हम किसी 6 फोटो का टेम्पलेट देख के काम करना है। तो 6 फोटो का टेम्पलेट देख के काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ऊपर डिजाइन में आना है और टेम्पलेट में आना है। ठीक है, और यहाँ से एक्स्ट्रा पैनोरामिक क्लिक करना है, जैसे ही एक्स्ट्रा पैनोरामिक में क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर में जितना भी टेम्पलेट डाला हुआ है वो सारा शो हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारा टेम्पलेट खुल गया, लेकिन इस टेम्पलेट में अभी ये 6 फोटो का टेम्पलेट है। ठीक है, आप जितना भी फोटो लेना चाहते हो उतना फोटो पहले ले लीजिए, उसको क्लिक कीजिए, 7 फोटो, 8 फोटो, 9 फोटो, 19 फोटो तक आप एक सीट पर टेम्पलेट देखकर बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा 6 फोटो का टेम्पलेट है तो मैं यहाँ से 6 फोटो पर क्लिक करूंगा। जैसे ही 6 फोटो पर क्लिक करेंगे ना तो सॉफ्टवेयर में जितना भी टेम्पलेट रहेगा उस सबको हटा देगा और केवल 6 फोटो का आपको टेम्पलेट दिखेगा। देखिए ये सारा 6 फोटो का टेम्पलेट है, जितना भी फोटो का टेम्पलेट, जितना भी आपने टेम्पलेट देख रहे हैं सारा 6 फोटो का टेम्पलेट है, लेकिन 6 फोटो का तो टेम्पलेट है, लेकिन इस 6 फोटो में सारा मिक्स टेम्पलेट है, इसमें 2 वर्टिकल भी हो सकते हैं, 4 हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, 4 हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, 2 वर्टिकल भी हो सकते हैं,
चार वर्टिकल भी हो सकते हैं, दो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा टेम्पलेट मिक्स रहता है, लेकिन फिलहाल तो मुझे दो वर्टिकल और चार हॉरिजॉन्टल का ही टेम्पलेट यहाँ पर देखना है, बाकी टेम्पलेट को हमको नहीं देखना है। तो क्या करना है, छह फोटो के नीचे ऑल फोटो का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, बस वहां पर आपको क्लिक करना है। अभी देखिए मेरा छह फोटो है, छह फोटो में दो फोटो वर्टिकल है और चार फोटो हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिखेगा चार एच यानी चार हॉरिजॉन्टल, टू वी यानी टू वर्टिकल, उस पर क्लिक करना है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सारे टेम्पलेट को हटा देगा और केवल दो वर्टिकल और चार हॉरिजॉन्टल का ही आपको टेम्पलेट दिखेगा। अब ये जितना भी टेम्पलेट आपको दिख रहा है, तो देखिए सारा टेम्पलेट जो है दो वर्टिकल और चार हॉरिजॉन्टल का है। आप क्या करना है इसमें, इसमें जो भी टेम्पलेट अच्छा लग रहा है उस पर डबल क्लिक करना है। तो क्या करेगा सॉफ्टवेयर, आपने जो भी वर्टिकल सेलेक्ट किया है वो वर्टिकल में चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोटो है वो हॉरिजॉन्टल में चला जाएगा। ये नहीं आ रहा पसंद, इस पर क्लिक कीजिए, ये भी नहीं पसंद आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो क्या करेगा सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक उसको चेंज कर देगा, ठीक है। देखिए मान के चलिए ये मेरा चेंज हो गया, अब इसमें कुछ चेंजिंग करना है तो आप मैनुअली कुछ भी चेंज कर सकते हैं। भाई देखिए फोटो नीचे आ गया तो थोड़ा हैंड टूल से फोटो को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अभी इतना गैप आ रहा है तो फोटो को थोड़ा सा यहाँ फ्रेम को बढ़ा सकते हैं, देखिए फ्रेम बढ़ गया। अब इस फोटो को थोड़ा सा ऊपर करना है, थोड़ा सा जूम कर लीजिए और यहाँ से माउस को स्क्रॉल करके जूम कर लीजिए और फोटो को यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो यहाँ मैंने मैनुअली ठीक कर लिया। अभी इसमें हमको मान के चलिए ये तो मेरा सेट हो गया फोटो, लेकिन मैंने जो फोटो लिया था चार फोटो ये साइड था और ये दो फोटो ये साइड था, तो हमको पेज को फ्लिप करना है, ठीक है। फोटो उस समय तो फोटो को मैंने बताया था कि मैंने फोटो को दोनों फोटो को सेलेक्ट करना है, जिस फोटो को सेलेक्ट कीजिएगा वो फोटो स्वैप हो जाएगा। अभी हम पेज को स्वैप करना है, ये पेज यहाँ चल जाए और ये पेज यहाँ जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, अब फ्लिप पेज का ऑप्शन है, फ्लिप पेज में यहाँ हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन है, बस उसको क्लिक कर दीजिए। ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, चार फोटो को इधर डाल देगा और दो फोटो को उधर डाल देगा बिना फेस का। कभी कभी हम लोग फोटोशॉप पर फोटो को फ्लिप करते हैं तो फोटो जो डायरेक्शन में रहता है वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, बस फोटो का जो डायरेक्शन वही डायरेक्शन रहेगा और पेज को फ्लिप कर देता है, ठीक है। तो देखिए ये दूसरा तरीका हो गया डिजाइनिंग करने का। तो दूसरा तरीका मैंने बताया था कि मैंने फोटो ले लिए छह फोटो, यहाँ से डिजाइनिंग गए टेम्पलेट में गए, यहाँ से एक्स्ट्रा पैनोरामा में क्लिक कर लिए, छह फोटो का सिलेक्शन करेंगे जितना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है यहाँ से सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके मैन्युअली चेंज करके आप यहाँ से टेम्पलेट बना सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अभी मैं तीसरा तरीका बताता हूँ, यानी तीसरा पेज बनाना है। तो तीसरा पेज बनाने के लिए फिर से यहाँ पर पेज पे आना है और तीसरे पेज पर डबल क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, दूसरा पेज ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और तीसरा पेज ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तीसरा पेज तरीका बता रहे हैं मैन्युअली डिजाइन, यानी खुद का अपना कैसे टेम्पलेट बना सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं, यानी जैसे ये टेम्पलेट बना हुआ सेव है वैसे ही अपना टेम्पलेट बना के उसमें सेव भी कर सकते हैं। तो हम कुछ फोटो लेते हैं और एक मैन्युअली टेम्पलेट आपको बनाकर दिखाते हैं कि कैसे तुरंत में आप एक मैन्युअली टेम्पलेट बना सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से फोटो में जाना है। अभी मैं 9 फोटो लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। देखिए मैंने 9 फोटो लिया, अब इस 9 फोटो को डिजाइन करना है मैनुअली, ठीक है। तो मैनुअली डिजाइन करने से पहले मैंने दो तरीका मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, डिजाइनिंग करने का। अभी देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3, 9। अब इस 9 फोटो में आप दो तरीके को भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर चेंज टेम्पलेट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिजाइन बन जाएगा सॉफ्टवेयर के अनुसार। एक यहाँ पर डिजाइन में जाइएगा, टेम्पलेट में जाइएगा, यहाँ से 9 फोटो सिलेक्शन कीजिएगा, पूरा 9 फोटो का टेम्पलेट खुल जाएगा। जितना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके आप यहाँ टेम्पलेट बना सकते हैं। लेकिन मुझे अपने खुद का टेम्पलेट बनाना है, उसके लिए आपको करना है चेंज लेआउट, और चेंज लेआउट पर क्लिक कर दीजिए। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो फोटो को ऑटोमेटिक सेट कर देगा। देखिए ऑटोमेटिक फोटो सेट हो गया, आप इसको जितना बार क्लिक करेंगे ना उतना बार ये ऑटोमेटिक चेंज होगा, लेआउट को चेंज करेगा।
ठीक है। तो आप जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार देखिए, मान के चलिए मुझे ये लेआउट सही लग रहा है। अभी इसमें आपको जो चीज डालना है, आप व्हाइट बैकग्राउंड भी छोड़ सकते हैं, अधिकतर लोग व्हाइट बैकग्राउंड पे भी एल्बम डिजाइन करते हैं, नहीं तो इसमें जो चीज डालना है आप डाल सकते हैं। अभी मान के चलिए हमको बैकग्राउंड डालना है, बैकग्राउंड पे जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए बैकग्राउंड लग गया। हमको ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमको फोटो को बैकग्राउंड में डालकर ब्लर करना है। तो कोई भी फोटो को सिलेक्ट कीजिए, सेट एज बैकग्राउंड कीजिए, नीचे सेट एज बैकग्राउंड है, देखिए फोटो बैकग्राउंड में चला जाएगा। अब उसको क्लिक कीजिए, बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर देखिए साइड में ब्लर का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपका फोटो जो है बैकग्राउंड में ब्लर हो जाएगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्लर हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो यहाँ से बैकग्राउंड को आप यहाँ से ब्लर कर सकते हैं, नहीं तो आप मैन्युअली यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने 100 डाल दिया, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्लर हो गया। तो ब्लर करना है तो आप यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। अभी मैंने तो बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया, अभी इसमें हमको कुछ मास्किंग करना है, ठीक है। मास्किंग करने के लिए आपको किसी को भी मास्किंग करना है, तो मैंने फोटो को सिलेक्ट किया, ठीक है। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको वहां ऊपर ऑप्शन मिलता है ब्लर का, तो वहां पर आपको जाना है। तो मैंने फोटो को सिलेक्ट किया, मास्क में गए, मास्क में जाने के बाद इसमें बहुत सारे मास्किंग रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये मास्किंग ज्यादा यूज करना है, किसी को मतलब ब्लर करना है तो मास्किंग डालना है, तो डबल क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिक मास्क लग कर तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको ज्यादा मास्क लगे क्योंकि देखिए इसका चेहरा पूरा ढक गया, ठीक है। ये हमको थोड़ा कम करना है, तो ये पहले फोटो को बड़ा कर लीजिए। तो पहले मैंने ये फोटो को बड़ा कर लिया, यहाँ से फोटो को बड़ा कर लिया। अब इसको मास्किंग को कम ज्यादा करना है, तो मास्किंग को कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पर देखिए छोटा छोटा आपको डॉट दिख रहा है, बस उसको आपको बढ़ा देना है। अभी मान के चलिए हमको नीचे कम करना है, यहाँ नीचे कर दिया। अभी चेहरे पर ज्यादा आ गया तो उसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिए। साइड में करना है तो यहाँ से साइड में यहाँ क्लिक कर दिए, साइड में बढ़ गया। लेफ्ट साइड में करना है तो यहाँ से आपको लेफ्ट साइड में करना है, ठीक है। तो देखिए मास्किंग आपका मतलब मास्किंग को कम ज्यादा करना है। कभी कभी होता है कि आप लोग मास्किंग ये यूज कीजिएगा ना, तो चेहरे पे साड़ी पे या ज्वेलरी पे या चेहरा ढक देता है, तो आप छोटे छोटे बिंदु जहां भी रहेंगे ऊपर ले जाइएगा तो मास्किंग ऊपर जाएगा, नीचे लेके जाइएगा तो मास्किंग नीचे आएगा, ठीक है। अभी लेकिन ये फोटो आ गया, अभी लेकिन ये फोटो देखिए इसके फोटो के ऊपर चढ़ रहा है, हमको इसको फ्रेम के पीछे डालना है, ठीक है। तो राइट क्लिक करना है, फ्रेम को मतलब आगे पीछे करना है, तो अरेंज में जाना है, फोटो को आगे पीछे करना है या फोटो को पीछे डालना है, तो बस उसको सेलेक्ट कीजिए, अरेंज में जाइए और सेंड टू बैक कर दीजिए। देखिए फोटो ये फ्रेम के पीछे चला गया, ठीक है। अब इस फोटो को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेते। अभी देखिए मैंने इसमें मास्किंग डाल दी, अभी मुझे बॉर्डर डालना है, ये 6 फोटो में बॉर्डर डालना है, ठीक है। व्हाइट कलर का बॉर्डर डालना है, ब्लैक कलर का बॉर्डर डालना है, जो हम लोग को स्टॉक करते हैं। तो कंट्रोल दबाकर जिसको जिसको बॉर्डर लगाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और बॉर्डर पर जाएंगे, यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन है। अभी देखिए कंपनी आपको बना बनाया भी आपको बॉर्डर देती है, ठीक है। सिंपल सा आपको डायरेक्ट यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं एक क्लिक कर, नहीं तो आपको सिंपल सा व्हाइट कलर का बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पर कलर में जाइए, जो भी कलर सेलेक्ट करना है यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए, व्हाइट कलर, मैं ओके दबा दिया। अभी बॉर्डर को कितना मोटा रखना है इसको बढ़ा दीजिएगा, मोटा रख सकते हैं। अगर आपको मैनुअली डालना है तो ऊपर मैनुअली मैं यहाँ पर 11 डाल देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक सारे ना बॉर्डर लगकर तैयार हो गया। अब इस दोनों फोटो में हमको सर्किल चाहिए, मतलब दोनों फोटो ऑटोमेटिक गोल हो जाए, तो जिसको भी फोटो को गोल करना है या मास्किंग डालना है, तो मैंने कंट्रोल दबाकर दोनों फोटो को सिलेक्ट किया और यहीं मास्किंग में गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोल का ऑप्शन है, गोल करना है तो गोल कीजिए, नहीं तो इस टाइप का करना है तो इस टाइप का कीजिए, नहीं तो इस टाइप का करना है तो इस टाइप कीजिए। अभी मुझे इस फोटो को गोल करना है, सर्किल में डालना है, तो यहाँ से देखिए फोटो को क्लिक किया, ऑटोमेटिक सर्किल में आ गया। अभी लेकिन मैं मैनुअली डिजाइन बना रहा हूँ, तो मैनुअली डिजाइन बनाने के लिए मैं कुछ इफेक्ट करने के लिए थोड़ा सा डिजाइनिंग करने के लिए एक फोटो को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ खींचकर, और एक फोटो को ऐसे ही छोटा कर देता हूँ रखकर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फोटो को जूम कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा जूम करके हैंड टूल से फोटो को एडजस्ट कर लिया, ठीक है।
अब इस फोटो में भी हमको व्हाइट कलर का बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर में जाइए, कलर सेलेक्ट कर लीजिए, कलर व्हाइट कलर कोई भी कलर दे सकते हैं। अब यहाँ से गाना डाल दीजिए, ठीक है, व्हाइट कलर का बॉर्डर आ गया। अभी मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है, स्वीट मोमेंट, हल्दी मेहंदी, स्वीट कपल, कुछ भी लिखना है, तो टेक्स्ट में जाइए, यहाँ पर टाइटल है, यहाँ पर मैं मान के चलिए स्वीट मोमेंट, मैंने टाइप किया, यहाँ पर आ गया और उठा के यहाँ पर डाल दी। ठीक है, आप अपना भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आपको लिखा हुआ टेक्स्ट चाहिए जो कंपनी आपको देती है, तो सिंपल से उसको यहाँ पर डिलीट कर दीजिए, हमको ये नहीं चाहिए, लिखा हुआ नहीं, मतलब हमको लिखना नहीं है, हमको लिखा हुआ टेक्स्ट चाहिए, तो लिखा हुआ आपको टेक्स्ट, क्लिप आर्ट, सारी चीज डिकोर में मिलेंगे। डिकोर में जाइए, क्लिप आर्ट में जाइए, यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको क्लिप आर्ट मिलते हैं, देखिए गॉड्स का भी मिलता है, तो यहाँ सारे आपको क्लिप आर्ट भी मिलते हैं। नहीं तो स्लोगन चाहिए तो बहुत सारे, हर एक फोल्डर में जाइएगा तो बहुत सारे स्लोगन्स भी मिलेंगे, मान के चलिए मुझे ये स्लोगन यूज करना है, तो डबल क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर आ गया, उठा के यहाँ पर डाल दीजिए। अभी ये तो क्योंकि ब्लैक है, इसको हमको कलर चेंज करना है, क्योंकि व्हाइट में करना है, तो व्हाइट में करना है, स्लोगन का भी कलर चेंज करना है, यहाँ पर देखिए बीसीजी में जाइएगा, बीसीजी में जाइएगा, यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा और यहाँ कॉन्ट्रास्ट को कम कर दीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक ब्लैक से यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी इफेक्ट जानना है, मान के चलिए हमको यहाँ पर एक शेप यूज करना है जो बैकग्राउंड में जाए, ये चारों फोटो को पीछे और उसका ऑपेसिटी कम हो जाए व्हाइट में, तो आपको क्या करना है, डिकोर में आकर शेप में आना है, डिकोर में आकर शेप आना है और ये यूज करना है स्क्वायर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर को जितना भी बड़ा रखना चाहते हैं आप पहले इसको बड़ा कर लीजिए, मैं यहाँ से एरो से खींचकर बड़ा कर लिया और इसको व्हाइट कर देता हूँ, कलर यहाँ से कलर में जाएंगे और यहाँ पर व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है, व्हाइट हो गया। अब इसको इसके पीछे यानी चार फोटो को पीछे चाहिए, तो राइट क्लिक कीजिए, अरेंज में जाइए और बैक कर दीजिए, देखिए फोटो को पीछे चला गया। अब इसको ऑपोसिटी को कम करना है तो यहाँ पर देखिए ऑपोसिटी का ऑप्शन है, इसको यहाँ से कम कर दीजिए, देखिए एक यहाँ पर इफेक्ट बनकर तैयार हो गया। तो इस टाइप का आप इफेक्ट भी मैन्युअली डिजाइन में बना सकते हैं, देखिए इफेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब इसमें मुझे एक लाइनिंग का इफेक्ट चाहिए बैकग्राउंड में, इस दोनों फोटो के पीछे, तो आपको क्लिप आर्ट में आना है, देखिए इस टाइप का आपको लाइनिंग है, लाइनिंग लाइनिंग यूज करना है, तो डबल क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर आ गया, लेकिन हमको इसमें 90 डिग्री में चाहिए, यहाँ पर होम में जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ रोटेट कर लीजिए, ऐसे देखिए 90 डिग्री में हो गया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिए खींचकर और इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दिए, लेकिन इस फोटो को पीछे चाहिए तो राइट क्लिक कीजिए, अरेंज में जाइए और सेंड टू बैक कर दीजिए, फोटो को पीछे चला गया। अब इसमें हमको थोड़ा सा ऑपोसिटी को कम करना है लाइनिंग को, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो मैंने ब्लर बताया था, यहाँ पर देखिए ऑपोसिटी का ऑप्शन है, अगर किसी चीज को ऑपोसिटी कम करना है तो यहाँ पर ऑपोसिटी का ऑप्शन है, उसको यहाँ पर कम कर दीजिए, ऑपोसिटी यहाँ पर कम हो गई। तो देखिए मैंने 9 फोटो लिया था और एक 9 फोटो को एक सिंपल सा डिजाइन बनाकर तैयार कर दिया। ये देखिए आपका तो क्लाइंट का टेम्पलेट बन गया, आपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, अभी चाहते हैं हम दोबारा मेहनत नहीं करें, ऐसा ही 3 फोटो वर्टिकल और 6 फोटो हॉरिजॉन्टल का टेम्पलेट, मतलब फोटो आ जाए और मैं एक क्लिक कर रहा हूँ ये तुरंत डिजाइन बन जाए इस टाइप का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस टेम्पलेट को पहले सेव करना है, डिजाइन में जाइए, यहाँ पर देखिए सेव करने का ऑप्शन है, सेव पर क्लिक कीजिएगा तो ये क्या करेगा, जो भी आपका टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है, वो टेम्पलेट में यहाँ पर एक ऑप्शन विंडो खुलेगा, ठीक है, और वहां पर आपका टेम्पलेट का नाम भी रहेगा कि आपका टेम्पलेट का मतलब नंबर, देखिए ये टेम्पलेट का नंबर है, इसी टेम्पलेट के नंबर से आप खोज सकते हैं, यहाँ पर ओके क्लिक कर दीजिएगा तो ये क्या करेगा, टेम्पलेट 9 फोटो का टेम्पलेट में जाकर वो सेव हो जाएगा, ठीक है। आप फिर से 9 फोटो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से 9 फोटो तो ऑटोमेटिक ये टेम्पलेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो डबल क्लिक करके आप इस टाइप का टेम्पलेट भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ, ठीक है, और इसको यूज करके दिखाता हूँ। तो यूज करने के लिए पहले पहले यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना है। अभी जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये विंडो खुला। अब इस विंडो में क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो 10 बता रहा है, लेकिन मैंने तो 9 ही फोटो लिया था ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, लेकिन यहाँ 10 फोटो बता रहा है। 10 फोटो इसलिए बता रहा है क्योंकि आपने एक बैकग्राउंड में जो फोटो ब्लर किया था वो भी यहाँ पर दिख रहा है, तो पहले उसको हटाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी देखना है 9 ही फोटो का ना, 10 हमको ये बैकग्राउंड वाला नहीं चाहिए, तो पहले बैकग्राउंड को डिलीट कर दीजिए, ठीक है,
बैकग्राउंड को डिलीट करके आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 फोटो बता रहा है क्योंकि आपने 9 फोटो लिया है, और यहाँ पर देखिए 16917 आपका टेम्पलेट का नाम है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये क्या करेगा, ये टेम्पलेट 9 फोटो के टेम्पलेट में जाकर वो जाकर सेव कर देगा। ठीक है, आपने जो भी 3 फोटो वर्टिकल लिया था और 6 फोटो हॉरिजॉन्टल लिया था, तो ये टेम्पलेट 9 फोटो का टेम्पलेट में जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी आपने बैकग्राउंड को हटाया था, फिर से कंट्रोल यहाँ पर जेड करेंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे तो आपका यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड रहेगा वो आ जाएगा, जो आपने बैकग्राउंड ब्लर किया था। तो पहले सेव करने से पहले क्या करेंगे, बैकग्राउंड में जो ब्लर करेंगे फोटो को डालकर वो वहां पर शो हो जाता है, तो आपको सबसे पहले वहां से हटा देना पड़ेगा। ठीक है, हटाइएगा तो ही यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ गया आपका बैकग्राउंड। अभी इस फोटो का हमको टेम्पलेट देखना है, मैंने सेव किया था, तो डिजाइन में जाइए, टेम्पलेट में जाइए, और यहाँ से आपने 3 फोटो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिया था, यहाँ से 3 फोटो वर्टिकल, 6 फोटो हॉरिजॉन्टल, यहाँ से 6 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल पर क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए टेम्पलेट आपको केवल उसी का दिखेगा। ठीक है, देखिए आपने ये टेम्पलेट बनाया था ना, देखिए ये टेम्पलेट है। अभी मैं वही ये टेम्पलेट यूज करना चाहता हूँ, ये फिर से 3 फोटो मान के चलिए हमको टेम्पलेट मैंने सेव किया था, दूसरा क्लाइंट का बना रहा है। ठीक है, तो मैं वही फिर से फोटो लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब मैंने ये दूसरा क्लाइंट का फोटो आ गया, 9 फोटो का, फिर से 3 वर्टिकल और 6 हॉरिजॉन्टल का। अभी मुझे बनाना है उस टाइप का टेम्पलेट जो मैंने बनाया था, तो फिर से आपको आपका टेम्पलेट तो सेव कर लिया आपने बनाया था, तो यहाँ से 9 डिजाइन में जाइए, टेम्पलेट में जाइए, 9 फोटो का सिलेक्शन कीजिए, 6 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे देखिए आपको टेम्पलेट 16917 जो मैंने बताया था, बस डबल क्लिक कर दीजिए। जो आपने टेम्पलेट में मेहनत किया था आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं, देखिए वही जाकर टेम्पलेट में जाकर वो सेट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से टेम्पलेट बनाकर सेव भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका मैनुअली डिजाइन, तीसरा तरीका डिजाइनिंग करने का। ठीक है, ये 3 तरीका मैंने बताया, उसी 3 तरीके से आपको पूरा डिजाइनिंग करना है। पहला तरीका ऑटोमेटिक मैंने बताया था, फोटो लीजिए, चेन टेम्पलेट क्लिक कीजिए। दूसरा तरीका टेम्पलेट देख के बताया था, जो भी टेम्पलेट फोटो लेना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेलेक्ट करना है। तीसरा तरीका बताया था चेंज लेआउट मैनुअली डिजाइन बनाने का। ठीक है, चौथा मैं बता रहा हूँ डीएम कवर बनाने के लिए। तो डीएम कवर बनाने के लिए आपको सिंपल सा फोटो को पहले से कटिंग करके पीएनजी फाइल में सेव कर लेना है, चाहे अधिकतर लोग फोटोशॉप पर कटिंग करते हैं तो आप पर पीएनजी पर ना सेव करके पीएनजी भी सेव कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए मैं कुछ पीएनजी फोटो ले लेता हूँ, अभी मान के चलिए मैं 2 फोटो लेता हूँ, अभी इसी का मुझे बनाना है डीएम। ठीक है, तो जो भी फोटो आपका कटिंग किया हुआ, जितना भी फोटो लेना है फोटो ले लीजिए, मान कर चले मैंने 2 फोटो लिया, आप 3 फोटो भी ले सकते हैं, 4 भी फोटो ले सकते हैं, और यहाँ से 2 फोटो का सिलेक्शन करना है, क्योंकि आपने 2 फोटो लिया है, डिजाइन में जाना है, टेम्पलेट में जाना है, और 2 फोटो का सिलेक्शन करना है, तो पूरा 2 फोटो का टेम्पलेट खुल जाएगा। अब इस 2 फोटो का टेम्पलेट में बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। अब ये अधिकतर लोग क्या करते हैं, कटिंग का भी बनाते हैं, विदाउट कटिंग का भी बनाते हैं, तो कटिंग का बनाना है तो नीचे आना पड़ेगा स्क्रॉल करके, विदाउट कटिंग का बनाना है तो ऊपर ही आपको बहुत सारा डिजाइनिंग मिलेगा। तब कटिंग का बनाना है तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, बहुत सारे कटिंग का डिजाइन मिलेगा। अभी मान कर चलिए मुझे इस टाइप का डिजाइन बनाना है, तो आपको जो भी डिजाइन बनाना है बस डबल क्लिक करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या करेगा वो देखिए, ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा, जो भी ये फोटो में टेम्पलेट रहेगा ना ऑटोमेटिक उसको सेट कर देगा उसमें। अभी देखिए ये सेट हो गया, मान के चलिए मुझे ये अच्छा लग रहा है, अभी इसमें मुझे फोटो को थोड़ा एडजस्ट करना है, तो ये फोटो को मैंने थोड़ा सा क्लिक करके इसको फोटो को बड़ा कर लिए, है ना, देखिए यहाँ से मैंने फोटो को बड़ा कर लिया। अब इस फोटो को मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना है, यहाँ से एडजस्ट कर लिए, और इसमें और भी कोई फोटो एक्स्ट्रा डालना है, ऐसा नहीं कि मैंने 2 फोटो डाल दिया, और भी कोई फोटो डालना है, तो यहाँ से दोनों फोटो को आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, यहाँ से मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, तो पहले आपको फोटो को कटिंग कर लेना है, इसमें बहुत सारे पीएचडी फाइल है, टेम्पलेट डाला हुआ है, बस उसको यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अभी ये हमको टेक्स्ट नहीं चाहिए, टेक्स्ट को हटाना है। ठीक है, तो आप टेक्स्ट को हटा भी सकते हैं, मान के चलिए टेक्स्ट नहीं चाहिए तो इसको यहाँ पर डिलीट कर दिए, दूसरा टेक्स्ट डालना है, यहाँ डिकोर में जाइए, बहुत सारे यहाँ पर आपको टेक्स्ट मिलते हैं, वो सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब भी आपको क्लिप आर्ट मिलते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
मान के चलिए मैं कुछ इस टाइप का यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ पर डाल दें। कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिए। ठीक है, तो इस टाइप का मैनुअली में कटिंग करके फोटो डाल दीजिए, और डिजाइन में जाकर यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट पर डबल क्लिक करके यूज कर सकते हैं। सिंपल सा कवर बनाने के लिए भी वही तरीका है। यहाँ पर आपको पहले एक फोटो का सिलेक्शन करना है, ठीक है, एक फोटो पर सिलेक्शन कर लीजिए और फिर जितना फोटो डालना है आप डाल सकते हैं। मान के चलिए एक फोटो सिलेक्शन कर लिए और यहाँ एक्स्ट्रा पैनोरामिक में ना क्लिक करके लैंडस्केप में क्लिक करेंगे, ठीक है, लैंडस्केप में क्लिक करेंगे। कवर बनाने के लिए आप लैंडस्केप पर भी क्लिक कर सकते हैं और कवर पर भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों में आपको कवर दिखता है, ठीक है। तो ज्यादातर की लैंडस्केप में अच्छे अच्छे डिजाइनिंग रहते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स रहते हैं, तो आपको पहले लैंडस्केप में क्लिक करना है। लैंडस्केप पर क्लिक कीजिएगा, देखिए पूरा एक फोटो का टेम्पलेट यहाँ पर खुल जाएगा, पेयर बाय पेयर जो 12-18 का कवर रहता है, ठीक है। मान के चलिए देखिए, अभी इसको नीचे स्क्रॉल कीजिए, बहुत सारे कवर्स मिलेंगे इसमें आपको। मान के चलिए मुझे ये कवर बनाना है, ठीक है, तो एक 12-18 यहाँ उठाकर डाल दीजिए और एक 12-18 का यहाँ उठाकर डाल दीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक देखिए सेट हो गया। यहाँ यहाँ पर उठाकर डालिए, मतलब जो आपको चेंज करना है यहाँ पर उठाकर आपको यहाँ पर डालकर चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पर चेंज हो गया। अब इसमें मान के चलिए ये नहीं अच्छा लग रहा हमको, ये अच्छा लग रहा है, तो एक 12-18 उठा के डाल दिए, एक 12-18 के यहाँ उठा के डाल दिए। अब इसमें लड़का लड़की का फोटो चाहिए, यहाँ फोटो में जाइए, कटिंग भी डाल सकते हैं, विदाउट कटिंग भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमको क्लोजअप डालना है, तो यहाँ से क्लोजअप कोई फाइल ले लिया, मान के चलिए मैं कुछ फोटो लेता हूँ, यहाँ से मैं फोटो गया और यहाँ से इसको क्लिक किया, यहाँ पर डबल क्लिक किया, ठीक है, फोटो सेट हो गया, डबल क्लिक करेंगे देखिए दूसरा फोटो सेट हो जाए, सेट हो गया। अब इसमें लड़का लड़की के नाम चेंज है, इसको क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से लड़का लड़की का नाम चेंज करना है, मान के चलिए मैं तो डेट डालना है, तो यहाँ पर डेट डाल दीजिए, ढाकर डाल दिए। अब इसको बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर लॉक खोलना है और यहाँ पर इसको चेंज करना है। अभी इसमें हमको स्टूडियो का नाम डालना है, तो इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पर स्टूडियो का नाम डाल देंगे, यहाँ से स्टूडियो लिख कर यहाँ पर उठा कर डाल देंगे, लॉक खोलेंगे। तो इस टाइप का आपको बहुत सारे लैंडस्केप में डिजाइनिंग मिलते हैं, तो वहां पर क्लिक करके आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डीएन कवर बनाने का तरीका। अभी देखिए, आपने पूरा एल्बम बना लिया, एल्बम बनाने के बाद पहले एक बार सेव बटन पर क्लिक करेंगे और बस आपको फिर से नाम और पाथ नहीं देना है, सेव बटन पर क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक वहां पर शो हो जाएगा, आपको बस यहाँ पर ओके कर यस करना है। ये क्या करेगा, आपने जितना भी बनाया वो उसमें जाकर रिप्लेस होकर सेव हो जाएगा। अभी पूरा एल्बम बन गया, एल्बम बनाने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, जेपीजी में करना है, पीडीएफ में करना है या पीएचडी में करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट का बटन है, उसको क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पर आपको पूरा करना है, तो सिलेक्ट ऑल को टिक रखिएगा, ठीक है, पूरा सिलेक्ट हो गया। अभी हमको पूरा नहीं करना, केवल जो मैंने डिजाइनिंग किया उसी को करना है, तो सिलेक्ट ऑल को हटाना है और उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। अभी इसमें आपको क्या करना है, जेपीजी में करना है, पीडीएफ करना है या पीएचडी करना है, तो जेपीजी में करना है, फाइनल जेपीजी आपको करना है तो जेपीजी में क्लिक कीजिए, यहाँ पर नाम डाल दीजिए, जो भी नाम डालना है, पाथ डाल दीजिए, पाथ में आपको कहाँ पर फाइनल जेपीजी चाहिए तो 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। अभी देखिए मैंने दूसरा फोल्डर बनाया था फाइनल जेपीजी, उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फोल्डर करना है और डायरेक्ट यहाँ पर इसको हैंडेड करना है और ओके करना है। ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, आपने जो भी एल्बम बनाया, पेज बनाया, वो जाकर 12:36 में 100% क्वालिटी में वहां पर जाकर एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कस्टमर को आपको लो क्वालिटी में देना है तो यहाँ से लो क्वालिटी भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से वाटर मार्क लगाकर जो भी यहाँ पर लिखेगा पूरे एल्बम में वाटर मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीका है, आपको वाटर में लगाना है तो पहले वाटर में लगा के कस्टमर को भेज दीजिए, वाटर मार्क नहीं लगाना है, हम 100% क्वालिटी में प्रिंट में डालना है
तो वाटरमार्क हटा दीजिए, इसको मैक्सिमम करके, इसको हैंडल करके यहाँ पर नाम और पाथ दे दीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। ये क्या करेगा, ये 100% क्वालिटी में जाकर एक्सपोर्ट हो जाएगा जहां पर आपने फोल्डर दिया, ठीक है। तो यहां से आप जो भी एल्बम बनाएंगे वहां जाकर एक्सपोर्ट हो जाएगा फाइनल जेपीजी में। ऐसे ही आपको एक्सपोर्ट जेपीजी नहीं करना, पहले हम कस्टमर को पीडीएफ बनाना है। तो यहाँ पीडीएफ में जाइए, लो रेजोल्यूशन में जाइए, 150 dpi में जाइए, नाम दे दीजिए, पाथ दे दीजिए। पाथ में मतलब कहां पर आपको पीडीएफ रखना है, तो वही फोल्डर को यूज कीजिएगा जहां पर आपने, जहां पर क्लाइंट का फोटो है। नहीं तो डायरेक्ट आपको वाटरमार्क लगाना है तो वाटरमार्क पर क्लिक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिएगा, ये पीडीएफ बनकर तैयार हो जाएगा। पीएचडी बनाना है तो बस यहाँ पर पीएचडी पे क्लिक करना है, पाथ देना है, आपके फोटोशॉप जो भी आपके सॉफ्टवेयर में मतलब डेस्कटॉप में आपके सिस्टम में फोटोशॉप इंस्टॉल रहेगा, वो ऑटोमेटिक वो फोटो को फोटोशॉप में चला जाएगा, आपका पूरा टेम्पलेट बना हुआ और पीएचडी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ से पूरे को यहाँ पर एल्बम बना सकते हैं। ये पूरा एल्बम बनाने का मैं आपको तरीका बता दिया है कि कैसे आप इसमें एल्बम कवर डीएम सारा चीज बना सकते हैं, और ट्रिक भी बता दिया। अभी सॉफ्टवेयर में कुछ नए चेंजिंग आए 15.0 में, एल्बम एक्सप्रेस प्रीमियम में, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हो गया एल्बम के बारे में। अभी हम लोग बैक आते हैं, सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं और यहाँ से आप खोलते हैं फिर से एल्बम एक्सप्रेस। अभी इसमें हम दिखाएंगे कि सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट बहुत सारे दिए हुए हैं जिसमें आपको बैनर है, पोस्टर है, फ्लायर है, वो कैसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने सॉफ्टवेयर में खोला था तो यहाँ पर एल्बम बन रहा था, अभी यहाँ पर डिजाइनिंग आना है। अभी पोस्टर ये बनाना है तो डिजाइन में आना है, न्यू पर जाना है, कौन साइज का आपको इन्विटेशन कार्ड बनाना, मान के चलिए मुझे एक 12x18 का इन्विटेशन कार्ड चाहिए, तो न्यू पर जाना है, यहाँ से 12x18 पर क्लिक करना है, मान के चलिए मैं 12x18 पर क्लिक कर दिया, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे मैं यहाँ पर एक पेज दिख रहा है, एक पेज आप एक पेज भी बना सकते हो, दो पेज भी बना सकते हो, तीन पेज भी बना सकते हैं, अलग अलग डिजाइन भी बना सकते हैं, अलग अलग क्लाइंट का भी एक बार बना सकते हैं। अभी मान के चलिए मुझे एक इन्विटेशन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑल पर जाना है टेम्पलेट में और यहाँ पर इन्विटेशन कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही इन्विटेशन कार्ड पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक पूरा इन्विटेशन कार्ड खुल के यहाँ पर आ जाएगा, हल्दी मेहंदी संगीत सेरेमनी सबका। अभी मान के चलिए मुझे शादी का इन्विटेशन कार्ड बनाना है तो मुझे इसका बनाना था, यहाँ पर डबल क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर क्या करेगा ऑटोमेटिक वहां पर सेट कर देगा। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, सेट हो गया। अब इसमें तो उसको क्लिक किए, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर मैं लड़का लड़की का नाम चेंज कर देता हूँ, मान के चलिए यहाँ पर मैं लड़की का नाम, लड़का लड़की का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करना है, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब इसका फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना है तो यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कंपनी आपको यहाँ पर प्रीसेट देती है, उसका भी प्रीसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही डेट चेंज करना है तो डेट पर क्लिक कीजिए, यहाँ से डेट। अभी हमको ये नहीं चाहिए, हमको लड़का लड़के का फोटो चाहिए, तो इसको यहाँ पर डिलीट कर दिए, फोटो में जाएंगे जहां पर भी आपका फोटो रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ फोटो ले लेता, मान के चलिए यहाँ पर ये फोटो ले लेंगे, डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिए, यहाँ पर उठा के यहाँ पर डाल दिया। अब इसमें मास्किंग करना है, बॉर्डर डालना है, फ्रेम डालना है, तो यहाँ पर सारा आपको ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमने आपको दिया, बस मास्किंग बटन डाल दीजिए, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर एक 12x18 का इन्विटेशन कार्ड बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही आप यहाँ से सारा चीज बना सकते हैं, बैनर, पोस्टर, थैंक यू कार्ड, सेव द डेट पोस्टर, इस टाइप का आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन है, एक्सपोर्ट का बटन दबाकर जेपीजी में करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हम मान के चलिए एक्सपोर्ट का बटन दबाए, यहाँ पर इसको सेव, इसको भी आपको यहाँ पास देना है, नाम देना है, पास देना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, पीएचडी देना है, पीडीएफ बनाना है या जेपीजी बनाना है, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा एल्बम एक्सप्रेस के बारे में बताए हैं कि कैसे हम लोग इसमें एल्बम एल्बम बना सकते हैं, कैसे हम लोग इन्विटेशन कार्ड बना सकते हैं, बैनर पोस्टर बना सकते हैं, डीएम, तो इसमें सारा ट्रेनिंग आपको डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी हम लोग इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो
YouTube पर भी वीडियो डाला हुआ है, तो YouTube वीडियो भी वहां से देखकर आप सीख सकते हैं।